नमस्कार किसान साथियों, मैं राजकुमार वर्मा एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई जानकारी के साथ आपके अपने YouTube चैनल राज एग्रीटेक की इस नई वीडियो में। किसान भाइयों, मिर्च की शुरुआती अवस्था में जब मिर्च एक से डेढ़ महीने की होती है तब उस समय मिर्च में एक समस्या बहुत देखने को मिलती है जो हमारे किसान भाइयों में चिंता का विषय बनी रहती है। तो किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मिर्च का पीलापन कैसे दूर करें, वो भी मात्र 4 से 5 दिनों में। किसान भाइयों, यदि आपकी मिर्च की फसल में पीलापन है, फसल कमजोर है, फसल में फल फूल कम मात्रा में बन रहे हैं, तो इसके लिए आपको अपनी फसल में कौन कौन सी खाद के साथ साथ कौन सी दवाओं का स्प्रे करना है ताकि मिर्च का पीलापन दूर होने के साथ साथ फल फूल अच्छी मात्रा में आए और फल फूल ड्रॉप होने की जो समस्या है वह भी देखने को ना मिले। देखो किसान भाइयों, मिर्च की फसल में ज्यादा पानी के कारण भी पीलापन देखने को मिलता है, रस चूसने वाले कीटों की वजह से भी पीलापन देखने को मिलता है। लेकिन अभी की हम बात करें तो किसान भाइयों, लगातार हुई बारिश से हुए जलभराव के कारण भी मिर्च की फसल में पीलापन देखने को मिल रहा है, तो आपको इसे कैसे दूर करना है आइए जानते हैं। तो किसान भाइयों, आपको लेना है 5 किलोग्राम कैल्शियम नाइट्रेट, 500 ग्राम बोरान और आपको लेना है 3 किलोग्राम सल्फर 80% WDG। इन तीनों को मिलाकर प्रति एकड़ खेत में आपको पौधों की जड़ के पास देना है और मिट्टी चढ़ा देनी है और अगले दिन फसल में हल्की सिंचाई कर देनी है। किसान भाइयों, ये था खाद के रूप में मिर्च का पीलापन दूर करने का तरीका। अब हम बात करते हैं स्प्रे की। तो इसके लिए हम 250 ग्राम ह्यूमिक एसिड या फिर 250 ml धनजाइम गोल्ड के साथ 100 ग्राम थामेक्सम 25% को घोल बनाकर अपनी मिर्च की फसल पर स्प्रे करते हैं। किसान भाइयों, अगर बताए गए खाद और स्प्रे का सही तरीके से आप अपनी मिर्च की फसल में प्रयोग करते हैं तो आपको 4 से 5 दिनों के अंदर ही बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिल जाएंगे। मिर्च का पीलापन, फल फूल कम मात्रा में बन रहे हैं या ड्रॉप हो रहे हैं, इन सभी समस्याओं का समाधान 4 से 5 दिनों में देखने को मिल जाएगा। किसान भाइयों, जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल राज एग्रीटेक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।